अजान नहीं, चलो उठो उठो जल्दी करो, नाश्ता बनाओ, चलो 9 बज गए हैं, उठो पानी भी ठंडा हो जाएगा, उठो चलाओ आओ। पराठा नहीं खाना क्यों? अच्छा देखिए, पराठा नहीं खाना चाय के साथ? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह की दुआ से हम भी ठीक है। तो आज मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए नाश्ता, चाय हमारी बन गई है, पराठे बनाने और साथ में ये ऑमलेट। तो आज मैं आपसे अपने पूरे दिन की रूटीन शेयर करूँगी, सुबह से लेके रात तक कि हम सारा दिन क्या करते हैं, क्या खाते पीते। तो और सबको मेरी तरफ से जुमा मुबारक। तो इधर अजान अली देखो क्या कर रहे हैं, इधर अपना काम लिख रहे हैं, इधर इन बच्चों को छुट्टियां हो गई हैं तो इस वजह से थोड़ा लेट उठ, और इधर हसीना बना रही है रोटी क्योंकि बाहर बहुत ठंड थी तो हमने अंदर ही सेटअप किया हुआ है, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो आपसे ये गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो पूरी आप देखा करें, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। लाइक बहुत कम
यहाँ पे गैस नहीं जाता, इस एरिया में मैं रहती हूँ ना, यहाँ पे गैस नहीं जाता। मेरा बेलना था वो टूट गया, तो इस वजह से प्लेट के ऊपर रख के ना रोटी को बना रही हूँ, क्योंकि आटा बहुत सख्त है। सारी रात फ्रीजर में पड़ा रहा है ना, इसी वजह से, इसी वजह से। हाँ मैं रात को गूंथ के रख देती हूँ आटा। आजकल बच्चों की छुट्टी है, थोड़ा लेट उठ रहे हैं, तो इस वजह से लेट ही नाश्ता हो रहा है। ये देखिए पराठा क्रिस्पी भी बना है। पराठे मैंने बना दिए हैं, अभी ये अजान अली और तैमूर अली के लिए ऑमलेट बना रही हूँ। प्याज और टमाटर नमक हल्दी वो सादा भी खा लेते हैं, लेकिन अभी वो कह रहे इस तरह बना के रहना। अभी ये सादा बनाओगे ऑमलेट, इनके पापा खाते हैं नमक और काली मिर्चें वाला बस। बस नमक काली मिर्च ऊपर से डालेंगे। मैं बनाना सीधे हो जाए, अब इसको निकाल लेंगे, फिर सादा ऑमलेट बनाएंगे। आजकल के जो प्याज हैं वो बहुत ज्यादा देर से गलते हैं, बस ये मुसीबत। काली मिर्च शामिल कर देंगे बस। ये देखिए
और इधर दिन के बच गए दो, तो मैं बना रही हूँ खट्टे की उतरी। तो इसको सबसे पहले मैंने अच्छी तरह साफ किया था, साफ करके आटे में थोड़ी देर के लिए मैंने भिगो के रख दिया था। फिर उसके बाद मैंने सिरके के पानी से इसको धोया, धो के अभी मैं इसको बॉईल कर रही हूँ, क्योंकि एक दो बॉईल आ जाए जो इसका पानी है ना, जो स्मेल, लोग कहते हैं स्मेल आती है, वो स्मेल ख़त्म हो जाएगी। इसमें मैंने दो से तीन दाल चीनियाँ डाली हैं और आधी चम्मच हल्दी। इसकी स्मेल ख़त्म करने के लिए ये देखें, मैंने इतने इतने छोटे छोटे पीस किए हैं ताकि ये गल जाए। कह रहे थे मम्मा उजरी बनाओ, खास तौर पे तैमूर अली, तो मैंने कहा चले जितनी देर में इनके पापा जुमा पढ़ के आते उतनी देर तक मैं साफ करके ऊपर रख लेती हूँ। मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज अदा कर ली है। हाँ, ये कह रहा मुझे ये निकाल के दो इस तरह, अभी कच्ची है ये नहीं। अभी इसको मैं ना निकाल लूंगी। ये देखिए ये चीजें होती है ना, इस तरह मेरे तरीके से बनाओ स्मेल नहीं आएगी। जो कहते हैं ना हम ओजरी पसंद नहीं करते खाना, तो इंशाल्लाह वो जरूर खाएंगे। अब इसको मैं धो लूंगी। प्रेशर पे आधे घंटे के लिए ये अदरक लहसुन सब्ज मिर्चें टमाटर और प्याज ये इसी तरह मैं खड़ा खड़ा करके ना इसमें डाल रही हूँ। आ रही हूँ, आ रही हूँ। नमक हम बाद में भी डाल सकते हैं, ये ना ज्यादा पड़ जाए। अच्छा देती हूँ क्योंकि हमने पहले भी डाली हुई ना, इसका कलर तो चेंज हो गया ना इस वजह से। ये कुछ खड़े मसाले ना, वो जीरा है, इसको हाथ की मदद से ना मसल के डालेंगे। इसमें पानी शामिल करेंगे बस। प्रेशर पे इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अभी टाइम भी बहुत ज्यादा हो गया, तो ये गल भी जल्दी जाएगी ना। सिर्फ आधे घंटे के लिए इसको पकाएंगे, ज्यादा नहीं। अब इसको आधे घंटे के लिए छोड़ देंगे क्योंकि ये खट्टे की ओजड़ी ओजड़ी की है ना, तो ये बहुत ज़्यादा सख्त होती है, इसको गालना बहुत मुश्किल होता है, तो इस वजह से मैंने जल्दी से प्रेशर पे लगा दिया। इधर मैं बनाने लगी हूँ जूस, कितनी देर में हमारी ओजड़ी तैयार होती है।
अगर आप लोगों के पास काला नमक है तो काला नमक इसमें शामिल करें, मैंने दूसरा उस सफेद वाला नमक शामिल किया। ये दोनों बच्चों को दो, ये लो चम्मच, ये लो जार। चलो बस गोजरी हमारी तैयार हो गई है। आप अपने हिसाब से भी ग्रेवी इसकी रख सकते हैं। ये ग्रेवी मैंने इसलिए इतनी बनाई है यानी कि नॉर्मल सी, कि बंदा आसानी से ना रोटी भी खा सके। वो सूखी सूखी ना बनाने से ना रोटी नहीं बंदे से खाई जाती। आओ अजान नीचे, ये देखना जिस तरह मैंने इसको क्लीन किया था ना रेसिपी के साथ और आटे के साथ, उस तरह बिल्कुल भी स्मेल नहीं आ रही। और इसमें मैंने नींबू भी मैंने निचोड़ के डाला, थोड़ा काली मिर्च भी पीसी हुई। ये इसकी छोटी छोटी बोटी मैंने इसलिए की है ताकि देखे ना, ये जब आप एक निवाला लो उसमें ऐसे रख के खाओ, आप बड़ी भी कर सकते हो। मैं देख माशाल्लाह बहुत ही मज़े की तैयार हुई है। कैसी बनी है था? फिर मैं बनाने लगी हूँ चाय, शाम के 5 बज गए हैं। अभी मैं चाय का पानी चढ़ा दूंगी। लाइट चली गई है तो इसलिए अभी ये मोबाइल की जो टॉर्च है इसकी रही। ये दो इलायची शामिल करेंगे। एक तो सुबह की लाइट कभी आ रही है कभी जा रही है। पत्ती शामिल करेंगे 1.5 चम्मच। अभी मैं इधर बॉइल करूंगी अंडे। अंडे लेके आया था 5-6 लेकिन वो टूट गए, अभी बस 2 से गुजारा करना पड़ेगा। बच्चों को तो फिर देना ही है चाय के साथ। और अंडों को बॉइल कर लेंगे जी। इसमें 1 चम्मच में नमक शामिल करूंगी, इसके छिलके ना आसानी से उतर जाते हैं। 1 चम्मच नमक बस। अभी इसमें दूध शामिल करेंगे। इधर चाय हमारी तैयार हो गई है। क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा है ना, इस वजह से बच्चों को अंडे साथ साथ दे रहे हैं चाय के साथ। ये लो। और आज का व्लॉग हमारा बस यही था। आपको हमारा ये व्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।